साल 2021 में आई जुरासिक पार्क 3 को अगर आपने देखा हो तो आप ये जरूर जानते होंगे कि इंजन का स्पाइनोसोरस कितना खतरनाक, डरावना और शक्तिशाली था, क्योंकि इसने पल भर में ही खूंखार टीरेक्स को धूल चटाकर रख दिया था। और ये एकमात्र घटना ही काफी है ये समझने के लिए कि ये कितना शक्तिशाली डायनासोर है। वहीं साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड में दिखा इंडोमाइनस रेक्स तो काफी चालाक और शक्तिशाली डायनासोर था, लेकिन हमें इन दोनों डायनासोर के बीच की लड़ाई को अब तक देखने को नहीं मिला। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह इन दोनों मॉन्स्टर के बीच लड़ाई हो जाए तो किस डायनासोर के जीतने की अधिक संभावनाएं होगी। क्या इंजन का स्पाइनोसोरस मार पाएगा इंडोमाइनस रेक्स को या खुद इंडोमाइनस रेक्स के हाथों मारा जाएगा? तो इस बैटल का परिणाम जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें नॉर्मल स्पाइनोसोरस की तो इस विशालकाय डायनासोर की उत्पत्ति आज से लगभग 10 करोड़ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसमें से इसका प्राकृतिक आवास उत्तरी अफ्रीका को माना जाता है। परंतु जुरासिक पार्क में दिखा इंजन में निर्मित स्पाइनोसोरस नॉर्मल स्पाइनो से कई गुना अधिक शक्तिशाली और गुस्सेल नेचर का है। और भले ही इस डायनासोर के नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, फिर भी आपको बता दूं कि इसके इतने शक्तिशाली होने के पीछे शामिल है कई डायनासोर्स का डीएनए, जैसे कि एंकिलोसोरस, सेराटोसोरस और कोरिथोसोरस। और इस डायनासोर की भी उत्पत्ति सिर्फ जुरासिक पार्क की शोभा बढ़ाने और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन चीजें बदल सी गई जब इसने लोगों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वहीं अगर हम बात करें इंडोमाइनस रेक्स की तो शायद इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने जुरासिक वर्ल्ड में जो तबाही मचाई वो हैरान करके रख देने वाली थी। लेकिन फिर भी ये जान ले कि इसके हाइब्रिड बनने के पीछे टीरेक्स, वेलोसिरेप्टर, कार्नोटोरस, जिगानोटोसोरस और भी बहुत सारे डायनासोर के डीएनए शामिल है, जिस वजह से ये बेहद ही शक्तिशाली बन जाते हैं। साइज एंड फिजिक। इस मुकाबले में आगे बढ़ने से पहले दोनों की आकार की बात करें तो इसमें एक इंजन की डायनासोर की लंबाई 16 मीटर, ऊंचाई 9 से 12 मीटर और इस डायनासोर को 16,000 पाउंड या 8 टन भारी बताया गया है, जिस वजह से ये सभी मांसाहारी डायनासोर से काफी विशाल बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडोमाइनस रेक्स की लंबाई 15.5 मीटर, ऊंचाई 6 से 7 मीटर और वजन 7 से 8 टन के बीच हो सकता है। यानी आकार की तुलना करने पर यह पता चलता है कि स्पाइनोसोरस ही इंडोमाइनस रेक्स के मुकाबले काफी विशाल आकार के हैं। स्पीड एंड एजिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, बल्कि जीवों की रफ्तार और फुर्ती किसी भी जंग को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसे में अगर हम बात करें स्पाइनोसोरस की तो इसकी रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, और इसके धीमे रफ्तार होने की वजह है इसकी हिंड लिम्स, क्योंकि ये इतने विशाल शरीर को तेज रफ्तार में संभाल नहीं पाते थे। वहीं अगर हम बात करें इंडोमाइनस रेक्स की तो इस हाइब्रिड डायनासोर के पास लाजवाब की फुर्ती है, क्योंकि ये भागते वक्त अपनी गति 50 से 60 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं और आयरेक्स भागते वक्त भी अपनी दिशा काफी आसानी से बदल लिया करते हैं। वहीं इंजन का स्पाइनो उतना फुर्तीला नहीं था, यानी अगर मुकाबला स्पीड एंड एजिलिटी की होती है तो इसमें इंडोमाइनस रेक्स बेशक सबसे पहले नंबर पर होगा। डाइट एंड बाइट फोर्स। भले ही दोनों डायनासोर मानव द्वारा मॉडिफाइड थे, लेकिन भूख उन्हें भी लगती थी और वो भोजन भी शिकार करके ही किया करते थे। और इस मामले में स्पाइनोसोरस नदियों में रहने वाले जीवों से लेकर जमीन में पाए जाने वाले किसी भी जीवों का शिकार कर लिया करते थे, और इसकी बाइट फोर्स भी नॉर्मल स्पाइनो से काफी अधिक होने की संभावना है। इसलिए इंजन स्पाइनोसोरस की बाइट फोर्स 5000 से 6000 पाउंड तक हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें इंडोमाइनस रेक्स की तो ये किसी भी डायनासोर को अपना शिकार बनाने की साहस रखते हैं, जिस पर ये अपने 12,800 पाउंड की बाइट फोर्स लगाकर उसे मार सकते हैं। यानी बाइट फोर्स की ओर गौर करें तो इसमें इंडोमाइनस रेक्स का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इंडोमाइनस रेक्स के दांतों का हमला बेहद ही घातक साबित होता, पर शायद इस हमले को स्पाइनोसोरस की ड्यूरेबिलिटी रोक पाती। ड्यूरेबिलिटी। अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो स्पाइनोसोरस के डीएनए में एंकिलोसोरस के डीएनए शामिल होने की वजह से ये नॉर्मल स्पाइनो से काफी ड्यूरेबल है। मगर ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इंडोमाइनस रेक्स के डीएनए में भी एंकिलोसोरस के डीएनए के अलावा भी कई शक्तिशाली डायनासोर के डीएनए शामिल है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी थोड़ी बहुत एडवांटेज आयरेक्स को ही मिलती है। और इसके कई सबूत हमें मूवी में भी देखने को मिले हैं,
वहीं इंजन के स्पाइरों ने भी टीरेक्स के शक्तिशाली बाइट फोर्स को काफी आसानी से झेल लिया था, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में बिल्कुल जरा सा अंतर होने की संभावना है। इसलिए दोनों डायनासोर्स के बीच ड्यूरेबिलिटी में बिल्कुल जरा सा अंतर होने की संभावना है। इंटेलिजेंस, अगर हम सबसे जरूरी चीज यानी इंटेलिजेंस की और बात करें तो इसमें इंडोमाइनस रेक्स का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल न करते हुए इसने अपने बुद्धि से ही इंसानों के कैद से अपने आप को बचा लिया और खुद के शरीर में लगे ट्रैकिंग डिवाइस को आसानी से निकाल फेंका और खुद को कैमोफ्लाज करके जंगल में आए सभी गार्ड्स को मार डाला। वहीं स्पाइनोसोरस सिर्फ अपने शक्ति के लिए जाना जाता है और इसने टीरेक्स से लड़ते वक्त बुद्धि का इस्तेमाल न करते हुए अपनी शक्ति से ही टीरेक्स को मार गिराया, इसलिए इंटेलिजेंस में इंडोमाइनस रेक्स स्पाइनोसोरस से काफी आगे है। वर्डिक्ट, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों डायनासोर्स के बीच लड़ाई होती तो इस लड़ाई में स्पाइनोसोरस की पानी में तैर पाने का गुण, नुकीले क्लोज और विशालकाय तथा शक्तिशाली शरीर काफी सहायक होती, मगर इंडोमाइनस रेक्स के नाइट विजन, शक्तिशाली बाइट फोर्स, कैमोफ्लाज होने की एबिलिटी और इसकी बुद्धि लड़ाई में काफी सहायक होती। तो ऐसी स्थिति में दोनों की लड़ाई होती तो इसमें काफी संभावना है कि इंडोमाइनस रेक्स स्पाइनो को मार देता, लेकिन इसमें किसके जीतने के कितने परसेंट चांसेस है आप हमें कमेंट में जरूर लिखें।